हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी इको 7 सीटर का। तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स और ऑन रोड प्राइस के बारे में। इसमें 5 सीटर में भी अवेलेबल है ये गाड़ी, आप लेना चाहते हैं। 5 सीटर आपको AC मिलती है, 7 सीटर आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। स्टैंडर्ड गाड़ी है, इसमें कंपनी फिटेड AC नहीं आता। आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं AC। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर फॉग लैंप इसमें कंपनी फिटेड नहीं आते, आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। बम्पर पूरा ब्लैक ही मिलता है आपको इसमें, फ्रंट एंड रियर बम्पर। बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं और जिनका साइज़ है 155 और 13 इंचज़ के व्हील दिए गए हैं इसमें। स्टील व्हील मिलते हैं, अपोलो के टायर मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको इसमें, अपोलो के टायर 13 इंचज़ के। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। और इसमें आपको बात करेंगे अगर डायमेंशन की, तो इसमें आपको 3675 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1475 mm की, हाइट है 1825 mm की हाइट है। व्हील बेस है इसका 2350 mm का व्हील बेस है। बात करेंगे कर्व वेट की, तो 1050 kg का कर्व वेट है और ग्रॉस वेट है 1510 kg का इसका ग्रॉस वेट है। और डोरों पे ग्राफिक्स दी गई है जो कि आप देख ही रहे हैं। टूर भी लेते हैं, टूर यानी कमर्शियल पर्पज़ से आप इसको ले सकते हैं और प्राइवेट भी आप इसको ले सकते हैं। टूर भी अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें कमर्शियल पर्पज़ से ही ले पाएंगे। इसमें आपको कंपनी फिटेड CNG नहीं आती, आफ्टर मार्केट आप इसमें CNG लगवा सकते हैं और AC भी आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हैं, यानी गाड़ी लेने के बाद आप आसानी से इसमें CNG और AC लगवा सकते हैं। AC का ख़र्चा इसमें 30 से 35 हज़ार आता है अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं AC। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और टर्निंग रेडियस है 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका। बात करें अगर सस्पेंशनों की, तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टर टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन 3 लिंक रिंच टाइप मिलते हैं। फेंडर पे इसके इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर आपको ब्लैक ही दिया गया है, ग्राफिक्स दी गई है डोरों पे और स्लाइडिंग डोर मिलते हैं जो कि आपको वैन में मिलते थे देखने को, वैन तो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, स्लाइडिंग डोर मिलते हैं दोनों डोर। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है और साथ में ही आपको इको का स्टिकर दिया गया है, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं रियर के बम्परों पे और बम्पर पूरा ब्लैक ही मिलता है इसमें। रियर के बम्परों पे आपको दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं सेफ्टी फीचर्स में। ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे माइलेज की, तो इसमें आपको 20 km/L की माइलेज मिलती है जो कि कंपनी क्लेम करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 65 लीटर की है, तो 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बात करेंगे इसके प्राइस की, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 4,09,800 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 4,66,585 इसका ऑन रोड प्राइस है, डेली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया। बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के, तो इसमें आपको ड्राइवर साइड एयरबैग दिया गया है, ABS विद EVD, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, EVD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। रियर के डोरों पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं कंपनी फिटेड जो मैंने आपको बताया। ये वाला डोर भी आपको स्लाइडिंग दिया गया है, यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है। तो रियर के दोनों डोरों पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। तो जैसा कि 7 सीटर गाड़ी है, तो इसमें आपको सीट लगे होने के कारण बूट स्पेस उतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे आप CNG का सिलेंडर लगा सकते हैं,
बूट स्पेस इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा आपको इसमें, 7 सीटर है, 5 सीटर लेते हैं तो उसमें आपको और भी बढ़िया बूट स्पेस मिल पाता है। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे, ये रियर डोर का इंटीरियर है जिसमें कि आप देख रहे हैं 7 सीटर गाड़ी है, तो आप उसकी पूरी नॉर्मल सी दी गई है इसमें। सीटों के हेड फिक्स्ड मिलते हैं आपको इसमें, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। डुअल टोल में अपहोस्ट्री दी गई है ब्लैक एंड बीच, इनके हेड आपको फिक्स्ड दिए गए, हेड रेस्ट आपको इसमें नहीं मिलते हैं। इसके किसी भी वेरिएंट में हेड रेस्ट नहीं मिलेंगे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो, नॉर्मल सी अपहोस्ट्री मिलती है आपको इसमें। ये थर्ड रो वाली सीटें हैं तो इनका लेग रूम देख लेते हैं। थर्ड रो वाली सीटों का तो ये थर्ड रो वाली सीटों का लेग रूम इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा, देख रहे हैं आप स्पेस की प्रॉब्लम मिलेगी आपको इसमें। और यहाँ पे ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, रूम लाइट दी गई है इसमें, नाइट में आप देख सकते हैं आसानी से इसमें। और देखिए इसमें आपको यहाँ पे हैंडल भी दिया गया है पकड़ने के लिए। और ये सेकेंड रो वाली सीटों की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया लेग रूम है इनका, बहुत ही बढ़िया लेग रूम है इसमें, लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है, इसके चारों डोर मैनुअल दिए गए हैं। और ये आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मैनुअली करना पड़ेगा आपको इसमें, देख रहे हैं आप। ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट राइट में, और ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही मिलता है, और सेंटर लॉकिंग मिलता है जो कि आप मैनुअली सेंटर लॉकिंग करेंगे आप इसको। पावर विंडो नहीं मिलेगा आपको इसमें, फ्रंट के सीटों के हेड भी आपको फिक्स्ड मिलते हैं, एड्रेस नहीं मिलते हैं आपको इसमें। इसके किसी भी वेरिएंट में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये डबल डुअल टोन में दिख रहा है आपको फ्रंट डैशबोर्ड ब्लैक एंड बीच। और चलेंगे अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में। रियर डोर का इंटीरियर तो आपने देख ही लिया, तो ये वाला डोर भी आपको देखिए मैनुअल दिया गया है, मैनुअली सेंटर लॉकिंग करेंगे। इनसाइड ग्रिप दी गई है, हैंडल इनसाइड हैंडल। और ये वाला डोर भी आपको देखिए मैनुअली ऑपरेट करना है। और ये आपको ड्राइवर सीट देख रहे हैं आप, जो कि नॉर्मल सी अपोस्ट्री दी गई है। राइट साइड में एसी वेंट्स दिए गए हैं, एसी नहीं है इसके अंदर। राइट साइड में आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं, हुड खोलने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, 3 स्पोक व्हील के साथ SRS एयरबैग इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। की देख लेते हैं, दोनों की आपको बिल्कुल सिंपल दी गई है, रिमोट की नहीं मिलती है आपको इसमें, इसके किसी भी वेरिएंट में आपको रिमोट की नहीं मिलेगी। और छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पे आपको हजार्ड का स्विच दिया गया है। छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले जो दी गई है आपको फ्यूल बताएगी, किलोमीटर बताएगी, कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं जैसे कि माल फंक्शन लाइट, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, तो ये सारी लाइटें आप इसमें देख सकते हैं। 2 AC वेंट्स मिलते हैं आपको सेंटर में, और AC नहीं है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं, स्टैंडर्ड गाड़ी है। AC इसमें आपको कंपनी फिटेड नहीं आता अगर आप 7 सीटर लेते हैं, ओनली हवा आएगी, ब्लोअर दिए गए हैं। और इसमें आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, 1 लीटर की बोतल आप इसमें रख सकते हैं आसानी, तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और ये गियर लीवर है जिसमें कि 5 फॉरवर्ड रिवर्स के साथ आपको गियर लीवर, हैंड ब्रेक लीवर भी नॉर्मल सा दिया गया है इसमें। को ड्राइवर साइड आपको 2 ग्लोबॉक्स दिए गए हैं अपर और लोअर में, तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें। ये वाला डोर भी आपको मैनुअल मिलता है, सेंटर लॉकिंग मैनुअली करेंगे आप, देखिए मैनुअली सेंटर लॉकिंग मिलते हैं आपको चारों डोर। फ्रंट में आपको सनवाइज़र दिया गया है, और रीडिंग लैंप
IRVM नॉर्मल दिया गया है और रिकॉर्ड राइट साइड सनवाइज़र ग्रिप असिस्टेंट। तो इंटीरियर आपने देख लिया, हुड खोल लेते हैं। हुड खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड यहाँ पे लीवर दिया गया है। चलिए देखते हैं हुड के इनसाइड क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आपको वाशर बोल्ट ABS यहाँ पे दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। और ये वाशर बोल्ट है जिसमें कि आप पानी वगैरह डाल सकते हैं वाइपर के। और ये कूलेंट यहाँ पे दिया गया है। और ये आपको ब्रेक फ्लूड यहाँ पे दिया गया है, कूलेंट बोतल यहाँ पे दी गई है इसकी, रिजर्व बोतल, रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं इंजन रूम में। इंजन इसका जो दिया गया है सीट के नीचे मिलता है, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड सीट के नीचे आपको इसमें इंजन इसका दिया गया है। ये लॉक दिए गए हैं, दो लॉकों को खोल लेते हैं। दो लॉक खोलने पड़ेंगे आपको इसमें, फिर आपको फोल्ड करना पड़ेगा सीटों को, तो उसके बाद आपको इंजन दिखेगा। तो ये सीटों के नीचे ही आपको इंजन दिया गया है, 1196 CC का इंजन मिलता है आपको इसमें। BS6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर इंजन है ये। कोर ड्राइवर साइड भी आपको दिया गया है। इस सीट के नीचे बैटरी वगैरह मिलेगी देखने को, कोर ड्राइवर साइड सीट के नीचे बैटरी दी गई है इसकी। बात करेंगे पावर की तो 862 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 85 Nm की टॉर्क मिलेगी 3000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी इको 7 सीटर का। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।